इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209-931336-9737-202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव खज्जाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जय श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। जय 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 बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय प्रिय बंधुओं तीर्थराज सम्मेलन शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व चलते हैं पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु और नमोस्तु। और आज हम सबसे पहले सीधे चल रहे हैं पूज्य मुनि संघ में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जिन्होंने अनेक शंकाओं का समाधान किया है उनके ही संगस्त चुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करती हुई निवेदन कर रहा हूं कि वो स्वामी आज के इस सत्र को आपके मुखारविंद से प्रारंभ हो ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से। इच्छामि वरं। प्रथम प्रश्न ऑनलाइन के लिए हे भगवान नमोस्तु चरणों में आपके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमें जीवन में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और जब ऐसा नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में हम अपूर्णता को भी कैसे स्वीकार करें ताकि हमें क्रोध नहीं आए, कृपया समाधान करें। सवाल किसका है? महावीर नगर जयपुर प्रमोद जी पापड़ीवाल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हमें हर चीज़ में पूर्णता का बोध कैसे हो? अगर हम अपनी सोच को समग्र बना लें तो हमें हर बात पूर्ण लगेगी। हमें कोई भी बात अधूरी क्यों लगती? क्योंकि हम उसे अपने ही एंगल से देखते हैं और लगता है कि सामने वाले ने मेरा अनुकूल काम नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हम तरह तरह की आरोप की बातें कर लेते हैं। यदि हम समग्रता से सोचना शुरू कर दें तो कभी भी कोई काम अपूर्ण नहीं दिखेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, किसी को कोई काम बताया, उसने कहा मैं कर दूंगा लेकिन किया नहीं। हम सीधे सीधे उस पर चार्ज लगाते हैं और आरोप की भाषा में कहते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं। गुस्सा आए है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला करना तो चाहता है पर कर नहीं पाता। अगर उस व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आपको जो काम बताया गया उस काम की क्या स्थिति है, और सामने वाले ने अगर उसका कारण बताया और आपने उस पर गंभीरता से विचार कर स्वीकार लिया तो क्या गुस्सा आएगा? आप कहोगे ठीक, इसने चाहा तो था पर कर नहीं पाया, काम नहीं किया। ये आरोप की भाषा है जो क्रोध को प्रकट करता है, अपूर्ण चिंतन का दुष्फल है।
और काम नहीं कर पाया, ये समग्रता के चिंतन का फल है। तो हमेशा थोड़ी सोच को व्यापक बनाएं और उस दृष्टि से देखना शुरू करें तो हमारी दुविधाएं अपने आप दूर हो सकेगी। मनीष जी मंडी मोहन से प्रश्न कर रहे हैं, हमारे मुनि महाराज वो प्रति लोग भी भोजन के पहले और भोजन के बाद में कायोस्य करते हैं क्या? तो हाँ ठीक है। लगभग हर संप्रदाय में ये प्रचलन है कि भोजन करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को जो भोजन मिला है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। हमारे मुनिराज महाराज और व्रति लोग भोजन के पहले और बाद में कायोस्य करते हैं, तो महाराज जी क्या ये कायोस्य भी भगवान को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है? और हम जैन साधकों को भोजन के पहले कैसे और किस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, समाधान करें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल। देखिए मुनि महाराज या व्रति जन भोजन से पूर्व जो कायस्तर करते हैं वह एक संकल्प की पूर्णता के बाद, भोजन प्रारंभ से पूर्व एक प्रकार की प्रार्थना है। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के पहले सिद्धों का स्मरण करते हैं, कायस्तर करते हैं और इस भाव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये भोजन मेरे भजन में कारण बने, मेरी शुद्धि और सिद्धि का आधार बने। जिस प्रयोजन से हम ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसकी पूर्णता। साथ ही कायोत्सर्ग करने के पूर्व ये भी एक भाव रहता है कि कल मैंने भोजन पूर्ण करने के बाद 24 घंटे तक के लिए भोजन का त्याग किया, मैंने अगले दिन तक के लिए भोजन का त्याग किया, 24 घंटा नहीं, अगले दिन तक के लिए भोजन का त्याग किया था, मेरा वह त्याग अब पूर्ण हुआ, अब मैं भोजन ग्रहण करने का भाव जगा रहा। तो भोजन ग्रहण कर रहे तो भगवान का नाम लेकर सिद्धों की आराधना करके, भोजन के अंत में जो कायस्य आहार के अंत में जो कायस्य करते हैं वो हमारे प्रत्याख्यान के फिर से ग्रहण करने के लिए कि अब मेरा भोजन पूर्ण हो गया, अब अगले दिन तक के लिए मेरा भोजन अब दोबारा नहीं होगा, ये एक प्रकार का प्रत्याख्यान है। तो इस प्रकार से इस मनोभाव से हम लोग आहार ग्रहण करते हैं, व्रति लोग भी जो नियम से लेते हैं वो इसी तरह से लेते हैं। आपने पूछा भोजन के पहले कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, सभी को ये भावना भानी चाहिए कि हे भगवान जिस प्रकार मुझे भोजन मिल रहा है, संसार के हर प्राणी को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे, पहली प्रार्थना तो ये। दूसरी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि ये मेरा भोजन मेरे शरीर के, मेरे मन के और मेरी चेतना के स्वास्थ्य को बनाए रखे, मेरा भोजन मेरे भजन में कारण बने, ऐसे भाव के साथ यदि आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके भोजन का अच्छा लाभ होगा। असीम सतभैया टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं महाराज जी कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के उपरांत घर की महिला सदस्य मुक्तिधाम अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाती है? गुरुदेव क्या अस्थि विसर्जित हम अपने गार्डन या अपने खेत पर कर सकते हैं, समाधान करें। देखिए मरणोपरांत कौन जाए कौन न जाए ये अलग अलग सामाजिक परंपरा है। अब आप मुझसे पूछो कि हमारे यहाँ महिलाएं शमशान में क्यों नहीं जाती, हालांकि अब जाने लगी, पर क्यों नहीं जाती, इसके पीछे मुझे एक विशेष कारण दिखाई पड़ता है। कारण ये कि मुर्दे का अंतिम संस्कार करना एक प्रकार का पाप का काम है। हमारे देश में महिलाओं को हमेशा पाप से दूर रखा गया है और ये सारा पाप पुरुष लोग अपने सिर पर रखते, तुम काय झंझट में पड़ो। शायद इसलिए महिलाओं को शमशान ले जाने की परिपाटी नहीं रही होगी, जो भी कारण हो, पर ऐसा भी सोचा जा सकता है। दूसरी बात, महिलाओं ने जन्म दिया, जीवन दिया,
तो जिसने जन्म दिया, जीवन दिया इस देह से, सबसे पहला नाता एक माँ का होता है। तो हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, अपने हाथ लगाए पेड़ को, अपने पौधे को अपने हाथ से उजाड़ना ठीक नहीं। शायद इसलिए नारी शक्ति को चिता में अग्नि देने से दूर रखा जाता होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। आपने जो पूछा अस्थि विसर्जन अपने गार्डन आदि में कर सकते हैं क्या, देखिए जैन परंपरा के अनुसार अस्थि विसर्जन का तो कोई विधान ही नहीं है। ये अलग अलग सामाजिक परंपराएं हैं और विभिन्न समाजों में लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। जैन धर्म में तो अंतिम संस्कार कर दिया, काम खत्म। पर कुछ समाजों में है जहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं, कई लोग नदियों में विसर्जित करते हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि उससे नदी का पानी प्रदूषित होता है। कुछ लोग अन्य तरीके से करते हैं, पर अगर आपके यहाँ परंपरा है भी तो गार्डन आदि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्थि वास्तु की दृष्टि से एक दोष माना जाता है। अस्थि को वहीं रखना चाहिए जहाँ रखने की परिपाटी चले आ रही है, वो उचित नहीं। चलिए अब चलते हैं मंच पर उन्हें संघ की ओर। छुल्लक 185 आदर्श हरिबाजी अपनी शंका से समाधान करें। नमोस्तु भगवान। स्मृति कदाचित ईश्वरीय देन है, परंतु विस्मृति तो ईश्वरीय वरदान है। महाराज जी इसके भाव को समझाने की कृपा करें। स्मृति कदाचित ईश्वरीय देन है, परंतु विस्मृति तो ईश्वरीय वरदान है। जिनका भी ये वाक्य है बहुत अच्छा है। अगर मैं इसे जैन धर्म की दृष्टि से कहूँ तो जैन धर्म की एक मान्यता है जिसमें हमने ईश्वर को सारे दोषों से मुक्त रखा है, आरोपों से मुक्त रखा है। हम ईश्वर को मानते हैं पर उसके ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। इसलिए इस वाक्य को मैं संशोधित करता हूँ और इसे प्रकृति का गुण मान सकता हूँ। और वाक्य को संशोधित करके मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि स्मृति कदाचित प्राकृतिक देन हो सकती है, लेकिन विस्मृति एक वरदान। अब मैं इसे दूसरे रूप में देखें कि स्मृति के लिए मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है और उस स्मृति से हमारे जीवन में कुछ उपलब्धि हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। पर विस्मृति हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। यदि चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने जानी, सीखी, पढ़ी है, वह सब हमारी स्मृति पटल में बनी रहे तो हम पागल हो जाएं। आज बहुत सारी चीज़ें हमें इस जीवन की याद है और बहुत सारी चीज़ें भूल गए। कई बार ये अनुभव में आता है कि भूलना ज़्यादा अच्छा है। एक उदाहरण देता हूँ। रात हम लोग सपना देखते हैं और जो सपना देखते हैं उनमें से कितने सपने याद रहते हैं? बहुत रेयर, कुछ ही सपने याद रहते हैं। यदि सब सपने याद रहने लगे तो पागल हो जाएंगे। इसलिए विस्मृति एक प्रकार की प्रकृति का वरदान है। और फिर इसी जन्म के नहीं, हमारे चित्त में तो अनेक जन्मों की स्मृतियाँ हैं, तो स्मृति हमें बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए स्मृति से विस्मृति की ओर जाना चाहिए, पर पूर्ण विस्मृति। हमारे गुरुदेव की एक कविता है, कब भूलूं सब, कब भूलूं सब। थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती है तो बड़ी गड़बड़ी होती है, लेकिन जब सब भूल जाऊं तब अपने में डूब सकूंगा। अब चलते हैं ऋषि निजानंद सही राजपास में अपनी शंका के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करें। मंचासीन मुनिराजों को बारंबार नमस्तु। महाराज जी, एक युवक आया था वंदना करके, तो वह प्रश्न कर रहा था कि हमने हर टोंकों की वंदना की, वहाँ पर सभी टोंकों की वंदना करने का फल उपवासों में लिखा है कि इस टोंक की वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलेगा आदि, और भी अन्य क्रिया धार्मिक क्रियाओं का फल भी उपवासों में बताया जाता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र का पाठ करोगे तो एक उपवास का फल मिलेगा। तो महाराज जी प्रश्न पूछा उसने कि
धार्मिक क्रियाओं का फल उपवासों में बताने का क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल। धार्मिक क्रियाओं का फल उपवास से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, उपवास कर्म निद्रा का एक विशिष्ट आधार है। उपवास एक तप है। बाह्य तप के अंतर्गत पहला तप उपवास आता है और उससे कर्म निद्रा होती है। हमारे यहाँ कहा गया कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए शक्ति के अनुसार तप करो, लेकिन जब हम तप त्याग की बात करते तो सबसे पहले उपवास आ जाता है और उपवास के नाम पर बहुतों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं कि हम उपवास कैसे करें। तो बोला कोई बात नहीं, हमारे पास वैकेंसी दूसरी है, तो उपवास कर सको अति उत्तम है। उपवास नहीं कर पाओ तो एक बार शिखर जी की वंदना कर दो, शायद 203 करोड़ उपवास के फल मिल जाए थोक में, है ना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जब एक बार वंदना से उतने उपवास के फल मिल जाए तो आप लोग फिर उपवास काहे करते हैं, वंदना ही क्यों? मैंने कहा भैया, मार्केट में कोई चीज खरीदते हो तो स्कीम का फायदा मिलता है, कोई चीज लोगे तब ना कोई स्कीम मिलेगी। एक में एक फ्री है ना, पर एक लोगे तब ना फ्री होगा। तो मैंने उनसे कहा एक उपवास करके वंदना करोगे तो 203 करोड़ का फल है। वो स्कीम में खाते पीते चरते हुए जा रहे हो तो उपवास का फल मिलेगा कि बंद होगा भगवान जाने, समझ गए? इसलिए ये जो फल है वो विशुद्धि के लिए प्रेरित करने के लिए कि हम ऐसे भाव विशुद्धि के साथ भरकर आगे बढ़े और त्याग तप संयम का पुरुषार्थ करें। अब चलते हैं मुनिषि शीतल सरिराज चंडों में। हे महाराज जी, आपको नमोस्तु। अपनी शंका के माध्यम से हमें शीतलता प्रदान करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। एक प्रश्न अक्सर लोग करते हैं और आज भी किया लोगों ने और लिंक भी मिल रही है उससे कि केशरोंच किया और उपवास करना होता है, तो इसमें कैसा कोई उपवास क्यों किया जाता है और उसी दिन करना ही क्यों? देखिए बहुत अच्छा, आज आप देख रहे हैं महाराज जी केश लोच करके एकदम अलग स्वरूप में आप सबके बीच हैं। दिगंबर मुनि 2 माह से 4 माह के अवधि में एक बार केश लोच करते हैं। आज महाराज ने 2 माह में केश लोच किए। 2 माह से 4 माह की अवधि में केश लोच किया जाता है। केश लोच अपने शरीर के प्रति निष्प्रहता, भेद विज्ञान की पुष्टि और स्वावलंबन की भावना को जगाने के लिए किया जाता है। स्वाधीनता की भावना को बल देने के लिए किया जाता है, इसलिए मुनि लोग केश लोच करते हैं। अब केश लोच के दिन उपवास क्यों करा जाता है? वो इसलिए कि हमारे केश लुंचन में भी हो सकता है सूक्ष्म जीवों का घात हो जाए, क्योंकि हम अपनी खाल से बाल उखाड़ते हैं, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी जीव का घात न हो, उसके प्रायश्चित स्वरूप उसी दिन केश लोच किया जाता है। आप कहेंगे बाद में भी हो सकता है, बोले बाद में पूरा प्रायश्चित नहीं होगा, प्रायश्चित उसी दिन है। तो ये तप है, प्रायश्चित एक तप है, तो केश लोच के साथ उपवास एक तप के रूप में। हमारे यहाँ मूलाचार्य में लिखा है सब परिक्रमणे सोपवासे, प्रतिक्रमण सहित और उपवास सहित अपना केश लोच करना चाहिए, तो ये केश लोच को उसी दृष्टि से किया जाता। अब चलते हैं प्रज मुझमुशी निवेक्षण महाराज चरणों में। हे महाराज जी, अपनी शंका के माध्यम से हमको शीतलता। नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए
बचपन में मंदिर की दीवानों पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं, शायद ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो और आपके माध्यम से इसका विस्तार मिले। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, काम करना सही चाहे देर हो, और भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो, और सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। ये पंक्तियाँ कहाँ तक हमारे जीवन में सार्थक हो सकती हैं, कृपया समझाएं। देखिए, अनुभवपूर्ण बात है। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, थोड़े घूम के चलो लेकिन सलामत पहुँचोगे। अनुभव आप लोगों को है, पहाड़ में शॉर्टकट मारते हो, पता नहीं शॉर्ट करके कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो, कहीं तो जंगल में फटक जाते। इसलिए अनजान रास्ते में कभी नहीं चलना चाहिए, जान करके ही चलना चाहिए। तो रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, काम करना सही चाहे देर हो। काम करो, परफेक्शन होना चाहिए भले देर हो। आधा अधूरा काम करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो भी काम करो अच्छे से करो, उसमें कोई देर नहीं होना चाहिए। और सलाल भोजन करना माँ की चाहे जहर हो, क्योंकि माँ कभी जहर दे ही नहीं सकती, माँ का मातृत्व होता है। माँ अगर जहर भी देगी तो हमारे कल्याण के लिए देगी, ये अनुभव की बात है। और सलाह करना अपने भाई से चाहे बैर हो, भाई कितना भी बैरी हो, हालांकि आजकल के भाइयों की कहानी कुछ दूसरी हो गई है, लेकिन एक कहावत है कि भाई कितना भी बैर हो गलत सलाह नहीं देगा। अब प्रत्यक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया जी। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि पूज आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, पूज मुनिवर की प्रेरणा से एक विशाल गुणायतन का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है, लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, मैं चाहूँगा, आपसे अपेक्षा रखूँगा कि जो भी लोग संबद्ध हो रहे हैं उनके लिए आप कर्तर ध्वनि से उनका अभिनंदन दान की अनुमोदना जरूर करें। पंचायतन शैली का जो विशाल जिनालय बन रहा है, उस जिनालय में स्वर्ण और रजत का दान देने वाले श्रीमती पूनम जी जैन ठाकुरगंज किशनगंज बिहार से जोरदार ताली बजा के हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। वहीं निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्री अर्पण जी जैन सुपुत्र श्री राजीव कुमार जी जैन रिश्ता हुगली पश्चिम बंगाल से जोरदार तालियों के साथ पुनः इनका अभिनंदन करते हैं। और आज निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है, स्वर्गीय जय कुमार जी पांडे की स्मृति में श्री आशीष जैन कृष्णाई ग्वालपाड़ा असम से जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और आज जो यहाँ पर प्रत्यक्ष में उपस्थित हैं, बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ, जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमती सुशीला देवी जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अमोलक चंद जी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती सारिका जैन रिश्रा हुगली पश्चिम बंगाल से मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में माननीय सीईओ सुभाष जी पूनम जी यहां पर उपस्थित, निवेदन करता हूं कृपया आइएगा, और साथ ही सुरेश जी पाटोदी यहां पर उपस्थित है, इनके अभिनंदन में आपकी सहभागिता होवे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं, आइएगा। और निवेदन कर रहा हूं गुणायतन सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी और सुरेश जी पाटोदी जी से, जोरदार तालियों के साथ पुनः पुनः अभिनंदन की इस क्रणी में हम सभी शामिल हो जाते हैं। और द्वितीय क्रम में जब तक कि मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप जी प्रतिभा जी गंगवाल कोलकाता से हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको आवाज देता हूं, कृपया मंच की ओर आपके चरण पड़े और पूज गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ साथ गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। माननीय प्रदीप जी प्रतिभा जी गंगवाल कोलकाता से निवेदन कर रहा हूं, एक बार मंच के ऊपर आए, पुनः जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आशीष जी अजमेरा हमारे बीच में यहां पर हैं, मैं सुभाष जी रारा जी से निवेदन करता हूं कृपया आइएगा और इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता होवे। पुनः जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया मंच के ऊपर आए प्रदीप जी प्रतिभा जी गंगवाल कोलकाता से आइएगा, मैं सुभाष जी से निवेदन करता हूं और आशीष जी अजमेरा आ रहे हैं, रारा जी अजमेरा जी अभिनंदन कर रहे हैं,
बड़ी सावधानी के साथ माँ को लेकर के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, पुनः पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बार पूज्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है हम सबको, आगामी दस लक्षण महापर्व जब यहां पर आएगा वो हम सबके लिए बड़ा अभूतपूर्व अवसर लेकर के आएगा, जहां ना कि सिर्फ ज्ञान आराधना, ना कि सिर्फ साधना, अपितु हमें एक साथ इतने बड़े मुनि संघ का दर्शन हम सबको होगा। बंधुओं, आए संपूर्ण मुनि संघ के सानिध्य में यह शिविर का आयोजन होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप गुणायतन परिवार से संपर्क करके या कि प्रामाणिक ऐप में आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि गुणायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन करता हूं रारा जी से कि आशीष जी अजमेरा अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं। निवेदन करता हूं आशीष जी अजमेरा, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा मंचासीन हमारी व्रती दीदी शकुन दीदी जी सागर से। महाराज श्री के चरणों में पूरे अजमेरा परिवार का, पूरे रारा परिवार का बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न बड़ा अजीब सा है। जब भी हम गया में रहते हैं और आपका जो चातुर्मास के समय में राम वो सब के बीच में जो हुआ था, रामचरितमानस वाला जो हुआ था उद्बोधन, तो उसमें काफी फॉलोअर्स आपके मतलब ये अभी प्रोग्राम देखते हैं अपना संघ का समाधान, तो उसी में कोई आपको बोलता है, कोई गूगल बाबा बोलता है, कोई GPS बोलता है। अभी एक प्रश्न मेरे सामने में यह आया कि जो भी नया टेक्नोलॉजी है वो मुनि प्रमाण सागर जी के नाम से ही क्यों होता है? अभी बाजार में ChatGPT चल रहा है महाराज जी, ChatGPT जो ये सबसे आगे है, उसमें भी लोग बोलता है कि ChatGPT में गुरु प्रमाण टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया भाई? तो अभी शंका का समाधान आप ही कीजिए महाराज जी। देखिये, ChatGPT में आपने जो बोला है ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, तो ये भी उसी में पूछ लो ना, उसमें तो सब सॉल्यूशन। पूछो क्या बोलते हैं ChatGPT। देखिए, ये बातें बिल्कुल सही है कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से विकास किया, पर मैं ये कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी है और मानवीय प्रतिभा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मानवीय प्रतिभा स्वाभाविक होती है, नैसर्गिक होती है, और ये हमारे उत्कर्ष का कारण बनती है। इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत क्षीण होती है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है, ये मनुष्य को बेकार कर देगी, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, और जब मनुष्य बेकार हो जाएगा तो इस संसार में भार हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बनाने की कोशिश करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, पर उतना ही जितना आवश्यक है। हम केवल ज्ञान के धनी हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं, क्यों ना हम उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। हम जितना जितना इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, हमारी बुद्धि वैसा ही काम करने लगेगी, और फिर हमारी नैसर्गिक प्रतिभा कुंठित होगी। इसलिए उनका उतना ही प्रयोग करें। मैं निवेदन कर रहा हूं वृत्ति दीदी हमारी शकुन दीदी जी सागर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार परिवार सागर से। मेरे आराध्य दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। मंच पर विराजमान एक अक्षल्लक जी को इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट के रख देती, तो महाराज श्री इस आदत से आदमी कैसे बचे, कृपा समाना। चुगली की आदत से कैसे बचे, ये बड़ी बीमारी, बहुत सारे लोग चुगली करते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको चुगली की आदत से बचना है तो हमेशा उन घटनाओं को याद रखो जो आपके साथ घटी है, आपकी किसी ने चुगली की और उसके बाद आपको परेशान होना पड़ा। हम अगर ये बात याद रखेंगे तो हमें दूसरों के प्रति चुगली की जो परिणाम है वो ध्यान में रहे और हम बच सकें। निवेदन कर रहा हूँ प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार परिवार सागर से, और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारी पहले नीचे वाले को बुलाओ। मैं निवेदन कर रहा हूँ
ज्ञानेंद्र जी, ममता जी, जोधपुर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महराशि, नमोस्तु, नमोस्तु महराशि। हे गुरु, सबको नमोस्तु। इच्छामि महाराज। हे महराशि, मेरी जिज्ञासा है कि दर्द के बारिशों में हम सदा अकेले होते हैं। जब बरसती है खुशियाँ, ना जाने भीड़ कहाँ से आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? महाराज समाधान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कुदरत ना हो। सुख में सब साथी, दुख में नहीं कोई। समझ गए? वही गीत याद कर लो, समाधान मिल जाएगा। आगे चल। निवेदन कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी, ममता जी, जोधपुर से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं राकेश जी, रजनी जी, गोधा, इंदौर से। महाराज श्री, ऐसा कहते हैं कि अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। ओम हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री ऐसा कहते हैं अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रहने रखने वालों से बचें। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे पता चले कि हमको अंधेरे में रखा जा रहा है? और एहसास होता है तब तक वो अपनी कार्रवाई कर चुका होता है, तो इससे कैसे बचें? बहुत अच्छा वाक्य, अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। आपने पूछा ऐसा कैसे हम पता लगाएं कि सामने वाला हमें अंधेरे में रख रहा है। देखिए, जो व्यक्ति खुद के प्रति जागरूक होता है वही ऐसा कर पाता है। हम अपने अंदर जागरूकता का भाव जगाएं, जीवन के अनुभवों को याद रख करके चले, तब कहीं जाकर हम इससे बच सकते हैं। एक आध बार ठोकर खा करके व्यक्ति संभल जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बार बार ठोकर खाने के बाद भी बदलने का नाम नहीं लेते। हम अपने अंदर बदलाव घटित करें। और ये बिल्कुल सही है कि हम जब तक जागते हैं तब तक समय निकल जाता है, पर ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो अंधविश्वासी होते हैं, लालची होते हैं, पर मुकापेक्षी होते हैं। समझ गए? और जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यदि हम आत्मविश्वास से लवरेज रहें, कर्म सिद्धांत के विश्वासी कर बने, लालच की जगह संतोष पर विश्वास करें, और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का जज्बा जगाएं, यानी पर निर्भरता से बचे, तो ये समस्याएं दूर हो सकती। राकेश रजनी जी, गोधा, इंदौर से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा पंकज जी मोदी, ललितपुर से, अपनी पूरी टीम के साथ, कर्मठ मुनि भक्त। प्रातः स्मरण दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। छोलक्षरी अच्छा और एरक्षरी के चरणों में अच्छा। हे गुरुदेव, आचार्य श्री ने कहा था, हे गुरुदेव, आचार्य श्री ने कहा था, आलस को दूर करने के लिए धर्म प्रभावना करें, आलस्य को दूर करने के लिए धर्म प्रभावना करें। जरा धर्म प्रभावना में देव की प्रभावना, गुरु की प्रभावना जगह खुद की प्रभावना हो जाए तो क्या करें? जैसे जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की 4-6 लाइनें होती हैं, अपनी 20 फोटो और 50 नाम होते हैं, ऐसे में क्या करें गुरुदेव? ये तो बीमारी है। आपने देखा कहीं बीज बोते हैं ना, बीज जी, खेती का अनुभव है। बीज जहाँ अंकुर होता है ना, वो एक होता है, और उसके आसपास खर पतवार ढेर होते हैं। लेकिन महत्व बोए गए बीज का होता है, खर पतवार का नहीं। बीज बोएंगे तो खर पतवार तो उगेंगे, समझ गए? तो एक अच्छे कार्य के निमित्त अनेक खर पतवार पैदा हो जाते हैं। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक जब तक वो बीज पर हावी ना हो। जब छोटे रहते हैं तो किसान भी कुछ नहीं करता, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं और मूल बोई गई फसल ही ओझल होने लगे, तो फिर क्या किया जाता है पता है? उनकी निदाई गुड़ाई करके उनको उखाड़ फेंका जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये स्वाभाविक है कि ये बीज के साथ उगे हुए खरपतवार हैं, पर इन पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए और समय समय पर उनकी निदाई गुड़ाई करते रहना। गुरुदेव, आजकल ये फैशन चल पड़ा है। हाँ, आजकल ये फैशन चल पड़ा है। बस उत्तर दे दिया मैंने, आगे निवेदन कर रहा हूँ पार्षद पंकज जी मोदी, ललितपुर से, पूरे टीम के साथ। और फिर मैं निवेदन करूंगा शीतल जी प्रामाणिक समूह से, कोलकाता।
हम गुरु के चरणों में तिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि देवशास्त्र गुरु की सेवा करने में पैसा ही सब कुछ है क्या? और गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि पैसे को नज़रअंदाज करके धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी प्राथमिकता को दें? देखिए, सेवा और पैसा अलग अलग चीज है। पैसा सेवा नहीं करता, पैसा वाला सेवा कर दे, ये बात अलग है। बात को ध्यान में रखना, पैसा थोड़ी सेवा करता है, पैसा वाला कर सकता है। और कोई पैसा वाला देव गुरु शास्त्र की सेवा में लगा है तो अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो सेवा नहीं कर सकते। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि पैसे वालों से भी ज़्यादा सेवा कम पैसे वाले करते हैं। पैसा वाला केवल दान देता है, पर श्रद्धा वाला योगदान देता है। दान से ऊंचा योगदान है। हाँ, तुम्हारे पास सामर्थ्य हो तो तुम दान भी दो और योगदान भी दो। जो कदाचित दान नहीं दे सकते वो योगदान दे, लेकिन योगदान देते हुए भी दान की भावना बनाए रखे। अल्प शक्ति हो अल्प दान करो, महाशक्ति हो महादान करो, पर दान जरूर करो। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो मैं एक घटना सुनाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव के पास किसी एक दाता ने किसी संस्था के लिए 1994 में 20 लाख रुपए दिए। बाद में उस दातार को किसी ने कह दिया कि इस संस्था में आपने जिस प्रयोजन से पैसे दिए हैं उसका सदुपयोग नहीं है, झूठी शिकायत कर दी। दातार उन पर बड़ा विश्वास करता था। उन्होंने 3 महीने में 3 महीने का ब्याज 60,000 रुपये भेज दिया, पैसे नहीं दिए। जो संस्था का प्रबंध देखते थे वो गुरुदेव के पास गए। ये घटना मुझे उन्हीं ने सुनाई थी। वो गुरुदेव के पास गए कि महाराज जी, दातार ने पैसे देने की जगह केवल ब्याज भेजा है। गुरुदेव ने जो बात कही वो सब ध्यान देने योग्य है। उनने कहा, जिनको हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है उनसे पैसा नहीं चाहिए। दान देने वाले बहुत मिलते हैं, योगदान देने वाला कोई बिरला मिलता। उन्होंने वो पैसा वापस कर दिया। अब वो सामने वाले के तो ऊपर नीचे हो गए। वो गुरु चरणों में आकर के अपनी भ्रांति का निवारण किया, प्रायश्चित किया, बाद में वो राशि आ गई। लेकिन गुरुदेव की विशेषता देखो, उन्होंने ये नहीं कहा छोड़ो मैं उससे बात करता हूँ, क्योंकि जो काम हो रहा था बहुत उत्तम था। मैं संस्थाकार व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सबकी उससे प्रतिष्ठा जुड़ी है। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है, हमें ऐसी व्यापक दृष्टि रखनी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, निवेदन कर रहा हूँ शीतल जी प्रामाणिक समूह कोलकाता से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सरिता जी सेठी हजारीबाग से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर में जब हम 108 बार परिक्रमा करते हैं तो हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित वेदी के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए ये परिक्रमा करते समय, और एक परिक्रमा में एक बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, चाहे जितनी बार भी कर सकते हैं। और महाराज श्री, जैसे आज हम जैसे श्रावक आहार देने का मन बना के आए तो पता चला कि तीनों महाराज श्री का आज उपवास है, तो मन में विकल्प आ गया कि हमने मन बनाया महाराज श्री का उपवास है, पर हमें तो अनुमोदना करनी चाहिए कि महाराज श्री का उपवास है। पर बहुत से श्रावक ऐसे हैं कि जो धोती दुपट्टा पहन भी लिए
फिर भी वो चले गए, तो ऐसे में क्या हमें पाप का बंध होता है? देखिए, जहाँ तक परिक्रमा का सवाल है, परिक्रमा करते समय कोई जरूरी नहीं कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारी से बोले, पर एक भावना भाए, भगवान मेरा अहोभाग्य कि मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरा ऐसा पुण्य जगे कि मैं संसार की परिक्रमा से बच जाऊँ, अब मुझे संसार का परिभ्रमण ना करना पड़े। कोई जरूरी नहीं कि परिक्रमा करते समय आप एक बार नमोकार मंत्र बोले या ज़्यादा बोले या नमोकार ही बोले, जैसी फेरी है उसके अनुरूप समय और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कोई भगवान, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के, तो अपने जैसी सुविधा शुभ में लगे। अब जो सवाल है आज का, आप लोग आहार देने आए, किसी की एनिवर्सरी भी थी, वो सोचा आहार देने, संयोग है चतुर्दशी पड़ गई, उपवास हो गया, तो उससे मायूस नहीं होना चाहिए। अरे मुनि महाराज का उपवास हुआ, क्षुल्लक महाराज तो उठे थे, एलक महाराज तो उठे थे, जब कपड़े बदल लिए तो जिनका लाभ मिल रहा उनका तो लाभ ले लेना था, और ये सोचना था कि चलो आज नहीं दे पाए फिर मेरी अनुकूलता बने, या अब मैं रुकता हूँ कल अनुकूलता बना करके दे करके जाऊँगा, ये भी तो सोचा जा सकता है, या फिर मेरा ऐसा पुण्य आए कि अंतराय टले और मैं दोबारा आकर के ऐसा लाभ ले सकूं, ये सोच रख सकते हैं ना। और बल्कि जब भी ऐसा मौका आए तो एक संकल्प लो, अब मैं आहार देने के लिए जिस दिन आऊँगा उस दिन इस संकल्प के साथ आऊँगा कि आहार दे के ही जाऊँगा और दूसरों के चौके में नहीं, अपना बनाकर अपना लगा कर देंगा। सबसे उत्तम रास्ता तो यही है ना, तब ना तुम्हारा दान है, अभी तो सब कुछ दूसरों का होता है, कपड़े भी कमेटी के और शुद्धि भी कोई बुलवाता है तो उनकी, तुम तो रिपीट करते हो, तुम्हारा योगदान होना चाहिए। बहुत सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं, अर्पण जैन रिश्ड़ा बंगाल से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छा मिचुल जी। महाराज मेरा एक जिज्ञासा है कि जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांस, तो दोनों ही निश्चित और सीमित है, बाकी सब धूल है या हमारी भूल है, तो इसको हम कैसे समझदारी से खर्च करें? बस इस वाक्य को हमेशा अपने सामने रखो, समझदारी अपने आप आ जाए। पर हमारे लिए बड़ी, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि समय और सांस की हम कीमत ही नहीं आती, हमें और चीज़ें मूल्यवान दिखती है, समय और सांस मूल्यवान नहीं दिखते, ये हमारी भूल है। जिस दिन हमें उसके मूल्य का एहसास होगा हम अपने समय और सांस का सदुपयोग करेंगे। इसको कैसे समझदारी में हम लोग ऐसे इस वाक्य को बार बार देखो और खोया हुआ समय और खोई हुई सांसों को याद करो और सोच लो मेरी अगली सांस आखिरी सांस हो जाए तो मेरा क्या होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है ना, इस बात का एहसास ही हमारे जीवन की दिशा बदलेगा। निवेदन कर रहा हूँ अर्पण जैन रिश्ता बंगाल से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती गरिमा जी जैन सिरोंज से। नमोस्तु महाराज जी, पहले तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा पिछले साल का। मुझे मेरा मन काफ़ी विचलित रहने लगा था, फिर अगस्त में मैं यहाँ भावना योग का शिविर अटेंड करने आया था, और आपके आशीर्वाद से और 3 महीना नियमित भावना योग करने से अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ और अपने कॉलेज लाइफ को आराम से अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें अपने कॉलेज में रहते हुए अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा, ये युवा है ऐसे सभी लोग प्रेरणा लें। निश्चित पिछले बार अगस्त की भावना योग के शिविर में जब आया था इसकी हालत बड़ी बेहाल थी, लेकिन आज आप सबके बीच वो अपने अनुभव को शेयर कर रहा है, और इसका जो अनुभव आज आप सबके बीच प्रकट हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसकी निष्ठा। इसने 3 महीने तक लगातार बिना नागा लगन पूर्वक विधि सहित भावना योग किया। आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप अगर नियमित भावना योग करेंगे तो इसके सुपरिणाम निश्चित घटित होंगे। आप सबको चाहिए कि आप ऐसा भावना योग निरंतर और नियमित करते रहें।
आपने जो पूछा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद है, ऐसे ही ठीक बने रहो और ठीक होने के बाद अब भावना योग जारी रखो ताकि भविष्य में ना बिगड़े। और पूरा ना कर पाओ तो कम से कम सुबह उठने के बाद 5 मिनट का और सोते समय 5 मिनट का भावना योग जरूर करो। समझ गए? अब रहा सवाल अपने कॉलेज लाइफ में अपना जीवन कैसे कर जिए, तो मैं यही कहूँगा कि कॉलेज लाइफ में सबसे पहला काम कि यदि मैं धर्म नहीं कर सकूँ तो कोई बात नहीं, अधर्म से बचना, अपने आप को अधर्म से बचा करके चलो। समझ गए? अधर्म से हम जितना बचेंगे हमारा जीवन उतना सुंदर होगा, इसलिए अधर्म से अपने आप को पूरी तरह बचा के रखो, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखो, अपने संकल्पों में दृढ़ रहो और व्यसन बुराइयों से बच करके चलो। जितना बन सके धार्मिक क्रियाओं का अनुपालन करो, पढ़ाई को अपना मूल लक्ष्य बनो। श्रीमती गरिमा जी जैन सिरोंज से, और फिर निवेदन करूंगा शीला प्रवीण जी कासलीवाल श्री को मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इस संसार में सभी प्राणी शांति चाहते हैं और वह शांति पाने के लिए कहीं तीर्थ पर भी आ जाते हैं और कभी वो पिकनिक का सहारा लेते हैं, सैर सपाटे का, होटल इत्यादि कहीं भी जाते हैं। तो महर्षि, यह स्थिति तो ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपने सामने मुसीबतों को देखता है और मदिरा पीता है, कुछ समय तो उसके लिए जब तक नशा रहता है तो शांति रहती है, और जैसे ही उस मदिरे का नशा उतरता है वैसी कठिनाइयाँ उसके सामने घूमने लगती हैं। तो महाराज श्री, क्या हमारे अंदर शांति का अभाव इसी कारण है क्योंकि हम पर में निज की मूर्छा का ध्यान रखते हैं? तो महाराज श्री, हम इससे कैसे बचें, कृपया शंका का समाधान। हमारी अशांति का कारण यही है कि हम पर में निज की मूर्छा का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये पर में आत्मबुद्धि जब तक होगी तब तक अशांति होगी। मैं आपकी वाक्य को दूसरे अर्थ में देता हूँ। हम पर में रहें चाहे निज में, अशांति का मूल कारण हमारे अंदर का अज्ञान है। अगर हम ज्ञान भाव को जगा लें तो हमारी अशांति पल में दूर हो सकती है। हम लोग जो लोग प्रायः आलंबन लेते हैं वो मन को बहलाने के लेते हैं। बाहर का आलंबन लेने से मन बहलता है लेकिन मन को बहलाने से स्थायी शांति नहीं मिलती। जैसे ही व्यक्ति अपने पुराने वातावरण में आता है स्थितियाँ पुनः आ जाती है और उसका मन फिर अशांत हो जाता है। पर मैं आपको कहता हूँ, मन को बहलाने की जगह मन को बदलने की कला सीखिए। अगर मन को बदल दोगे तो अशांति पूरी तरह दूर होगी। तत्व ज्ञान, धर्म ध्यान, गुरु सानिध्य और मोटिवेशन हमारे मन को बदलता है। तो मैं आपसे कहूँगा, धार्मिक कार्यों को मन बहलाने के लिए ना अपनाएं, मन को बदलने के लिए अपनाएं। जी महर्षि। आपकी शांति सदैव आपके साथ रहे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। शीला प्रवीण जी काशलीवाल जालना से, और तैयार रहेंगे फिर सौ संगीता जी राजकुमार जी पाटनी औरंगाबाद से। ओ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु और क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। इधर गुरुदेव, जब आप आचार्य श्री से धर्म प्रभावना के हेतु अलग हुए थे तब उन्होंने आपसे क्या अपेक्षाएं की थी, और जब आप इतनी चोटी पर पहुंच गए तो आपकी तरक्की देखकर उन्हें कैसा लगता है, उन्होंने आपको क्या कहा, कभी कुछ कहा होगा, उन्हें खुद कितनी खुशी हुई होंगी महाराज जी? देखिए, पहली बात, जब गुरु आज्ञा से हम लोगों का बिहार हुआ था, आपने पूछा है गुरुदेव ने क्या अपेक्षा रखी थी। हमारे गुरुदेव की विशेषता है, वे कभी अपेक्षा नहीं रखते किसी से, वे बड़े निरपेक्ष हैं। लेकिन हाँ, उपदेश जरूर देते हैं। उन्होंने जाते समय एक ही बात कही थी कि मैंने जो दिया है उसे फैलाना और अपने आप को संभाल कर रखना। ये बहुत बड़ा संदेश, मैंने जो दिया है उसे फैलाना और अपने आप को संभाल के रखना। मैं समझता हूँ मैंने अपनी कोशिश इन दोनों कार्यों में पूरी तरह
ईमानदारी के साथ निष्ठा रखते हुए काम किया है, अपने आप को संभाला भी है और शक्ति के अनुसार गुरुदेव से जो प्राप्त है उसे फैलाया है। बल्कि मैं ये कहूँगा, मैं जो भी दे आप सबके बीच कहता हूँ या रखता हूँ उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो उनकी बात को फैलाता हूँ और फैलाते आ रहा हूँ। रहा सवाल तरक्की को देखकर उनके भाव कैसे होते होंगे, मुझे नहीं मालूम उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी, पर इतना पता है कोई किसान कहीं खेत में बीज बोता है और बोने के बाद लहलहाती फसल दिखती है तो उसका मन प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता, वो प्रसन्नता उनके अंदर भी होगी, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्ते गुरुदेव। संगीता राजकुमारी जी पाटनी औरंगाबाद से, और फिर निवेदन करूंगा गुड़माला जी जैन बघेरा से। सभी महाराज जी को नमस्तु, शिल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी मेरा सवाल ये है, अगर घर में अपने डिलीवरी हुई है और घर में प्रतिमाधारी है तो उन लोगों को हमारे हाथ का खाना चल सकता है क्या? अगर घर के ही प्रतिमाधारी है? हाँ, घर के ही प्रतिमाधारी है। उत्तम तो यह है उन्हें दूसरे घर में भोजन हो जाए, कराना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अब सवाल है कोई खुद ही प्रतिमाधारी उसका बच्चा हुआ वो क्या करेगा? नहीं ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये आपस के वात्सल्य के अनुसार देखना चाहिए। जहाँ तक परंपरा ये है कि व्रती दूसरों के घर में करते हैं, पर कदाचित ऐसे कोई नहीं हो, एक ही दो घर हो, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अपने हाथ से बना खाएगा, भूखे थोड़ी रहेगा, ठीक है। चलिए, अपने हाथ से बना के खा सकते हैं। हाँ, गुड़माला जी बघेरा से, और फिर निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जो लेडीज तो जैसे घर में काम करती है और जेंट्स कमाते हैं और दान देते हैं, तो उसमें औरतों की कितनी सहभागिता रहती है पुण्य के लाभ में? ये बताइए, जो आपके श्रीमान की संपत्ति वो केवल उनकी है कि आपकी भी है? अब वो साथ में तो कमाते तो वही हैं। कमाते भले हैं, एक पत्नी अर्धांगिनी होती कि नहीं होती? अर्धांगिनी होती। उसके उपास पति की संपत्ति का हक होता है कि नहीं होता है? हक तो होता है। पर तो आपका पति अगर दान कर रहा है तो केवल अपना दे रहा है कि उसमें आपका भी है? भूल में मत रहना, आधा शेयर इनका है। इसलिए जो दान हो रहा है तुम्हारे अनजाने में तुम्हारा भी शेयर जा रहा है, इसलिए पति दान दे और पत्नी ताली बजाए, हिसाब बराबर हो जाए। चलो, निवेदन कर रहा हूँ चरणी सुनीता दीदी जी बासा। त्रय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारे अंदर में कहते हैं कि अनंत गुण हैं, अनंत सुख, अनंत वीर, सब चीजों की क्षमता है। जब इन सब चीजों की क्षमता है तो जब कहीं कसाय का निमित्त मिलता है तो फिर कसाय का विस्फोट क्यों होता है? देखिए, क्षमता तो है दोनों तरह की है, एक परमाणु है ना, परमाणु से एनर्जी भी उत्पन्न किया जा सकता है, अपरमाणु से विस्फोट भी। हम अपनी क्षमताओं को यदि रचनात्मक दिशा देते हैं तो निर्माण होता है, और हमारी क्षमताएं जब विध्वंसात्मक कार्यों में रखती है तो विनाश होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, स्वभावोन्मुखी होने से सृजन होता है और विभाव में रमने से विध्वंस होता है। गुस्सा स्वभाव है या विभाव? विभाव। विभाव है ना। जब हम अपनी पूरी चिंतन की दिशा को वैभाविक मोड़ पे लाकर खड़ा कर देते हैं, हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है और ये गुस्सा हमारा पतन कराता है। जैसे जैसे जिसे जिसे इस बात का पता होता है कि ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, मेरे करने योग्य नहीं है, ये जागरूकता आती है, तो वो वैभाविक परिणति से अपने आप को बचा लेता है और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। आगे सूचनाओं के लिए यहीं पर विराम,
बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बंधुओं आपको विदित ही है पूज गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर पर्युषण पर्व दस लक्षण पर्व में विशाल शिविर का आयोजन किया जाना है जिसमें आप सभी लोग शामिल होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गुणायतन और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और साथ ही साथ इस बार पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है आगामी अष्टानिक महापर्व में विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसमें अनेक लोग अपनी भावनाएं बना रहे हैं। आपसे भी निवेदन है आप अपनी भावनाओं को हम तक प्रेषित करें जिससे कि हम आपकी व्यवस्थाओं को समुचित कर सके। आपका इस बार का यह विधान बड़ा अभूतपूर्व हो इसी भावना को लेकर के परम पूजनीय गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम व्यापार बिजनेस में नुकसान सगाई शादी में रुकावट फंसे हुए पैसे डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931386 9737202129 ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।